ब्राउन का परदेशिया को, यहाँ छत्तीसगढ़िया लोगों को बेकूफ समझ के रखे, 8 महीने से बैठा के रखे, साले हम परदेशिया लोग आके नाश कर रहे हो। बोल छत्तीसगढ़ माता की जय, जय जोहर का नारा है, छत्तीसगढ़ हमारा है। अरे जय जोहर का नारा है, छत्तीसगढ़ हमारा है। अरे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ योग का, नहीं किसी के बाप का। अरे छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ योग का, नहीं किसी के बाप का। छत्तीसगढ़ियों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छत्तीसगढ़ियों का शोषण बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। छत्तीसगढ़ियों का शोषण करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। 102 और 108 के हमारे छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन के बर्खास्तगी नहीं करें, आज लेबो काली लेबो ऐसे झूला झूला के रखे हैं और आन आन प्रदेश ले लान करके यहाँ भर्ती करते हैं। और यहाँ जो छत्तीसगढ़िया बेरोजगार लड़का मन है जिन मन यहाँ सेवा दे चुके हैं, अपन मांग और अधिकार पर आंदोलन करना असंवैधानिक नो है, संवैधानिक तरीका से आंदोलन करेगेरी से ओकर नाव लेकर के पिछले सरकार प्रताड़ित करी और ये जन वर्तमान सरकार बैठे हैं तेन मन समर्थन दे खातिर गेरी से कि हमार सरकार आई तो हमन तत्काल तो हमन के निदान करबो। तो आज ये पूछे बरायन प्लेसमेंट एजेंसी ला कि ये लड़का मन के संग में न्याय कब हो ही? और जेन लड़का मन यहाँ बूता करत हैं तेन नोनी मन लग हलो रात में ड्यूटी करा के वो एम्बुलेंस में सूते पर मजबूर करते, टॉयलेट की व्यवस्था रात में नहीं रहा है, ये तो सरासर अमानवीय है। जेन मन हमार मन भर छत्तीसगढ़ के जनता भर संवेदन पूर्वक काम करते हैं, हमार मन के स्वास्थ्य के रक्षा करे खातिर इमरजेंसी में पहुँचा थे, तेकर मन के स्वास्थ्य की चिंता कनोल नहीं है, ओकर मन भर ये प्लेसमेंट एजेंसी अत्यक असंवेदनहीन है। यही बात सबला लेकर के यहाँ के जो प्रदेश के मुखिया है लिंगराज ओकर से चर्चा करे लाए हैं कि कब तक एक एमल अन्याय मिली, कब तक एमन के वापसी होई, तो सीधा सीधा हाथ झर्रा दीच कि ये मोर स्तर के बात में, चूंकि प्लेसमेंट एजेंसी प्राइवेट कंपनी तेकर बात कहा थे कि सरकार जानी एमन हाँ 3 शिफ्ट के पैसा ली शासन से और 2 शिफ्ट में काम करवाते हैं, 1 शिफ्ट के पैसा पूरा पूरा दलालिम खाते हैं। तो ये ताकीद करना चाहत छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और शासन ने भी ये बात न बोली, ये मन बार बार शासन कति बतावत है तो शासन बतावे कि ये लड़का मन के ऊपर जन अत्याचार होते हैं कब रुकी, कब ये मन ला न्याय मिली, ये बात ला शासन के आगू में भी बोलबो, जाबो मुख्यमंत्री तिर घलो जाबो तो गेरे है कर मन के आंदोलन ला समर्थन दे बर और कब तक ये मन ला न्याय मिली तेल बता। कंपनी मांग माने है कि नहीं माने आप? कंपनी हाँ तो मैं सक्षम ही नहीं हूँ, वो शासन जानी, कभी लेबर कोर्ट के बात करते, लेबर कोर्ट के बात करते तो मिनिमम वेजेस कलेक्टर दर के देना चाहिए, एक तरफ संवैधानिक बात करी और दूसरा सब तरफ अपन डाले असंवैधानिक ढंग से काम करी। कौन सा लेबर कोर्ट है जिन 12 घंटे की ड्यूटी करा के 8 घंटे पेमेंट दी है का ऐसे कोई कोर्ट? श्रम न्यायालय के बात करते, हम नहीं जाना था श्रम न्यायालय ला। अब क्या कर रहा अपन आगे? 1 महीना के भीतर यदि एकर मन के संग में न्याय नहीं हो ही तो जोरदार जबर आंदोलन जिसे छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के ओकर तेवर है वही हिसाब से आंदोलन करबो। और शासन भी आप सबके माध्यम से मैं शासन ने भी कहना चाहता हूँ कि समय रहते ये लड़का मन ला न्याय दें, ये लड़का मन ला वापिस नौकरी दें, 12 घंटे की जगह में 8 घंटे काम कराएं, कलेक्टर दर में पेमेंट करें, जिन भी विधि सम्मत है वो सारा के सारा लागू होना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रीय राजमार्ग ला छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना जोरदार तरीका से रोकबो, एकर बर हम ला जेल भेजी पुलिस तो जेल जाबो, लाठी गोली खाल पर ही तो लाठी गोली खाबो, लेकिन एकर मन के न्याय पर जरूर लड़बो। बोल छत्तीसगढ़ माता की जय, बोल छत्तीसगढ़।